उत्तर प्रदेश फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद ने एनेक्सी भवन के सभागार में जनपद के समस्त उद्यमियों, व्यापारियों, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स भवनों के संचालकों, हॉस्पिटल, स्कूल के प्रबंधकों के साथ अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता संवाद किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद ने अग्नि सुरक्षा जन संवाद कार्यक्रम में स्कूल के संचालकों, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्यों, उद्यमियों एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा गीडा के अधिकांश उद्योगों के प्रतिनिधियों व व्यापारियों द्वारा अग्नि सुरक्षा से संबंधित अपनी समस्याएं एवं सुझाव से अवगत कराया। महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवाएं उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त उपस्थित सभी व्यक्तियों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशित किया गया तथा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 न्यू फायर बिल के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के भवनों में फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, फायर इवैक्यूएशन, मार्क ड्रिल, अग्निशमन यंत्रों के संचालन एवं रख रखाव हेतु अवगत कराया। भवनों में पुराने बिजली के सप्लाई का फायर ऑडिट किए जाने हेतु अवगत कराया और यह भी अवगत कराया कि अग्नि सुरक्षा हेतु अग्नि सचेतक योजना के तहत जनपद में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 100-100 अग्नि सचेता के रूप में फायर वॉलंटियर तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता अग्निकांड के समय लिया जा सकता है। फायर सर्विस जनपद गोरखपुर के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भवनों में अग्नि सुरक्षा के उपकरणों का संचालन तथा जन जागरण के माध्यम से आग को नियंत्रित करने हेतु जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जनपद में अधिकांश अग्निकांड की घटनाएं शॉर्ट सर्किट से होती हैं, जिसके संबंध में फायर ऑडिट कराकर मानक के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कराई जा रही है। इस अवसर पर एडीजी अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सीएफओ अरविंद कुमार सिंह सहित विभिन्न जनपदों के अग्निशमन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद्र ने कहा, आया है 13 दिसंबर 2022 से इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें क्वालिफाइड एजेंसी का प्रावधान किया गया है। टेक्निकल आदमी महानिदेशक महोदय की गाइडलाइन होगी, उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन होंगे और वही लोग काम करेंगे स्टैंडर्ड और प्लस सारी चीजों की सेकंड बैलेंस चीजों को देखते हुए। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। पूर्व में बरेली क्षेत्र में रोवर्सर का 20 मिनट्स टाइम पीरियड के अंदर बोरीवर फायर स्टेशन से, गिरा फायर स्टेशन से जितने भी फायर टेंडर्स उस फायर कॉल को अटेंड करके और बिना किसी हानि के उस फायर को कंक्लूड कर दिया। लेवल पे वर्कर्स के साथ एग्जीक्यूट हो तो डेफिनेटली इसका फायदा ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को मिलेगा बल्कि जो एक वर्क टीचर है थे रिगार्डिंग कि कोई भी फायर कॉल हो रही है तो हमें क्या यूज़ करना है, कब हमें फायर एक्सटिंग्विशर ए बी सी या बाकी जिला में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं अगर कोई इस तरीके की फायर कॉल कहीं पर भी होती है तो प्रशासन के साथ अग्निशमन विभाग के साथ कई करेजी का ध्यान रखा जाए। जैसे कुछ हॉस्पिटल होते हैं जिसमें पेशेंट बहुत ही कम होते हैं, जैसे हाउसिंग सेंटर आई एन जी है, इसमें श्री डी जी महोदय, सभी का चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज और यहाँ उद्यमी संगठन की ओर से हम लोग स्वागत करते हैं और ये आजकल ये आपका प्रयास अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इसमें सर ये कहना चाहते हैं कि जैसे इसमें गिरा में इंडस्ट्री बहुत आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि बाहर के निवेश यूपी में आए, तो इस समय सर दिक्कत थोड़ी सी ये आ रही है कि जो नई इंडस्ट्री के मानक है उनके मानक अलग है और जो पुरानी इंडस्ट्री चल रही है उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप ये मानक लगाएं तब आपको एनओसी दी जाएगी। जो अभी आभासी सर ने कहा, सर आज हर प्रतिष्ठान में फायर सिस्टम लगे हुए हैं लेकिन विस्फोटक विभाग नागपुर है लगा हुआ है, वो फंक्शनल है और उसको चलाने वाले मिलते हैं और वो किस आधार पे आप करिएगा क्वालिफाइड एजेंसी हम डिक्लेयर करेंगे। जो नए एक्ट में प्रोविजन है कि क्वालिफाइड एजेंसी आपको आपके यहाँ आपके परिसर में आकर के फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक करेंगी और मानक के अनुरूप आने पर वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगी और उस सर्टिफिकेट को आप अपलोड करिएगा सिस्टम पर और सब सर्टिफाई करिएगा कि आपके यहाँ सारी चीजें पूरी है, फिर आपको एनओसी पास करने की जरूरत नहीं है और उसी के आधार पर हम आपको
एनओसी दे देंगे या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। अब इसको एनओसी नहीं कहा जा रहा है, नए नियम में इसको जो है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है। तो आपको चीजों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से चीजों को काफी सरल किया गया है और इस तरह के स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स और गाड़ियां ये अपने हिसाब से क्रय करके रखनी चाहिए और अपने जो फायर पार्टी सिस्टम है उसको रोबस्ट करना चाहिए। पैसा हम लोग को दे रखा है उसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं, उसी तरह बहुत सारी गाड़ियां नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हम लोग को दे रखा है। तो ये गीडा को भी सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा मोदी आज के जो जन जागरूकता संवाद का कार्यक्रम है इसके दो पहलू हैं, एक समस्या और दूसरा उसका समाधान। गोरखपुर में आकर आप सबसे सीधा संवाद स्थापित किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। गोरखपुर एक महत्वपूर्ण शहर है पूर्वांचल का और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से ये निर्देश रहे हैं और अपेक्षा रही है कि फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हम विशेष रूप से ध्यान दें और हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स को दिखाते हुए काम करें। आपको मालूम ही है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। कई टीमें विदेश में भी गई और हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई में थे और इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाया गया। अब इन्वेस्टर्स जब आएंगे तो उसमें प्रमुख आवश्यकता रहती है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी कारण विभाग में शीर्ष स्तर पर डीजी साहब स्वयं है और उनकी पूरी टीम है। अविनाश सर का एक लंबा अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में और एक बहुत ही विशेष कैरियर रहा है उनका, कई जनपदों में रहे हैं, दो दो बार राष्ट्रपति का वीरता पदक पाया है उन्होंने, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और इसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको एक इस महत्वपूर्ण पद पर डीजी बनने पर जब प्रतिनिधित्व हुए तो उनको भेजा गया। आज आप सर यहाँ पे आए हैं और हम लोग को आप फर्दर गाइड करेंगे। मैं अपनी तरफ से दो तीन बातें रखना चाहूँगा और जो मेरा भी इंटरेक्शन हुआ है उसके आधार पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है और जिस तरह की कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए हम लोग डिपार्टमेंट चाहता है कि वो नॉर्म्स जो एनबीसी कोड्स हैं और जो नॉर्म्स हैं जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनका पालन कराना हमारा कर्तव्य है। और केस स्टडी का एग्जांपल देकर के हम उससे क्या लर्निंग लेसन मिला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फायर सर्विसेज का मुख्यतः जो काम होता है वो जो समझा जाता है वो आग बुझाने का है। कहीं पे आग लग गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है और वहां पर आग बुझाती है। अभी तक 1944 के एक्ट से और 2005 के एक्ट से ये सेवाएं चल रही थी, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष रुचि के कारण एक नया एक्ट पास हुआ है, फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्ट 2022 का 13 दिसंबर को पास हुआ है। और इस एक्ट को बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मॉडल जो था वो सर्कुलेट हुआ था देश के सभी प्रदेशों में और हमारा दूसरा प्रदेश है जिसने इसको तत्परता से लागू किया है। तो इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम होंगे और फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बहुत इसका अच्छा परिणाम और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में भी बहुत अच्छा परिणाम आगे भविष्य में आएगा। गोरखपुर में फायर प्रिवेंशन फायर सेफ्टी के बारे में एक जनसंवाद यहाँ पे कार्यक्रम किया गया सर्किट हाउस के निक्सी के भव्य हॉल में। इसमें डीडा इंडस्ट्रियल एरिया के तमाम सारे इंडस्ट्रीस्ट आए थे, जिन लोगों के होटल्स हैं उनके मालिक या उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हॉस्पिटल नर्सिंग होम स्कूल कॉलेजेस मॉल्स मार्केट्स और अन्य सम्मानित नागरिकगण जो गोरखपुर के हैं वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी बात बताई और फायर प्रिवेंशन और फायर सेफ्टी के बारे में उनको बताया गया। एक जो प्रमुख कारण आग लगने का होता है निकल कर के सामने आया है वो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। तो मेरा सभी सम्मानित गोरखपुर वासियों से यही
विनम्र अनुरोध है कि अपने अपने घरों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ऑडिट करवा लें, और अगर उनके घर के तार जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसको बदलवा लें, क्योंकि 80% आग जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। जो मकान आज से 30 साल 40 साल पहले बने हैं, पहले वहाँ पे केवल एक पंखा, एक कूलर, कुछ लाइटें चला करती थी, आज हर कमरे में फ्रिज हो गया है, टीवी हो गया है, एसी हो गया है, ब्लोअर हो गया है, हीटर हो गया है, तो इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बंद कमरे में जाड़े के समय में हीटर जला करके न सोएं, कोयला जला करके न सोएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और जो स्मोक जनरेट होती है वो आग से भी ज़्यादा घातक होती है। कई बार ऐसे दृष्टांत दुर्घटनाएं हो चुकी हैं कि लोग रात को कोयला, आग, हीटर जला करके सोए और सुबह मृत अवस्था में पाए गए, उससे भी सेफ्टी की ज़रूरत है। एलपीजी गैस से जो घटनाएं होती हैं उसके प्रिवेंशन के लिए हमें आवश्यक है कि अपने एलपीजी सिलेंडर्स के जो पाइप हैं, रेगुलेटर है, उसको इंस्पेक्ट कर लें और अगर वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसको चेंज करवा लें। नया फायर एक्ट हमारे इन्फोर्स में आ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू करवा दिया है और उसमें बहुत सारे प्राविधान हैं फायर सेफ्टी के, फायर प्रोविजन के, और एनओसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। अब एनओसी को ना कह करके उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कहा जाएगा, और जो ओनर या बिल्डर है, ओनर या ऑक्यूपेंट है बिल्डर का, बिल्डिंग का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें तय की गई है। वो साल में दो बार सेल्फ सर्टिफाई करेगा क्वालिफाइड एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट लेकर के, और वो उसको सिस्टम पे अपलोड कर देगा तो उसको एनओसी अपने आप मिल जाएगी, और हमारे पास बार बार फायर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे प्राविधान उसमें किए गए हैं जिससे फायर सर्विसेज की सेवाएँ लोगों को और बेहतर मिल सकेंगी। साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स में भी फायर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कोई मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थक्वेक कोई होता है, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम लोग पहुँचते हैं, लोकल पुलिस पहुँचती है, वहाँ के लोकल बाशिंदे पहुँचते हैं, तो सबको हम लोग इसमें ट्रेन करेंगे कि कैसे लोगों की जान बचाई जा सके। जो गोल्डन आवर्स हैं, जब तक SDRF NDRF नहीं पहुँचती है, उस गोल्डन आवर में कैसे लोगों की जान बचाई जा सके, कैसे लोगों को मलबे से निकाला जा सके, उनको लोकेट किया जा सके और उनको फर्स्ट एड दे करके हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके, तो बहुत सारे पहलुओं पर इसमें चर्चा हुई है। इसमें नए एक्ट में प्राविधान है कि जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा उसको सुधार करने का एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद भी वो सुधार नहीं करता है तो उसके प्रीमाइसेस को जहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी इन्वॉल्व है, ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, उसको सील कर दिया जाएगा और उसको संचालन बंद कर दिया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगले कुछ सालों में हर ब्लॉक स्तर तक हम लोग फायर स्टेशन को खोलेंगे। अभी हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन हमारे प्रदेश में 350 तहसीलें हैं, 350 फायर स्टेशन हमारे फंक्शन कर रहे हैं, और प्रदेश में 830 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक स्तर पे भी अगले कुछ वर्षों में हम लोग नए फायर स्टेशन खोलेंगे, और हर ब्लॉक स्तर पे फायर वॉलंटियर्स माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने बना रखे हैं। 830 ब्लॉक के हिसाब से हम लोगों ने 91,000 से ऊपर फायर वॉलंटियर्स बना रखे हैं, और फायर प्रिवेंशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जो कोई भी आदमी क्लिक ऑफ द बटन पर उसको देख सकता है। जो इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी है, गैस की फायर सेफ्टी है, पेट्रोल ऑयल से कैसे बचा जाए, सबके बारे में वीडियोस हैं। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है उसको देख करके जागरूक हो, और अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है, जो मौके पे है वही उसको आपको बुझा सकता है। शुरुआती स्टेज में कम्बल से बुझा सकता है, पानी से बुझा सकता है, मिट्टी से बुझा सकता है, बालू से बुझा सकता है, तो हर घर में 2-3 बाल्टी पानी स्टोर करके रखना चाहिए, पुराने कम्बल को फेंकना नहीं चाहिए, उसको रखना चाहिए, क्योंकि जब आप कम्बल आग पे डाल देते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और तुरंत आग बुझ जाती है। ये सारे जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं, फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, बहुत छोटे छोटे मेजर्स हैं, उसको करके रखना चाहिए। स्मोक से बचने का सबसे सरल उपाय और सबसे इफेक्टिव उपाय है कि आप अगर स्मोक में फंस जाएँ तो गीली तौलिया या कोई कपड़ा गीला करके अपने मुँह के चारों तरफ लपेट लीजिए, ज़मीन पर बैठ जाइए, तो आप जो है स्मोक से काफ़ी संभावना है कि आपको न्यूनतम नुकसान होगा।